जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनु सर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी और रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्शन हाउस में आपने और भी लोग रखे हैं या आप ही चार पांच नामों से अलग अलग चेक लेते रहते हैं? और भी लोग हैं। और भी लोग हैं, अकेला ही नहीं खाता हूँ। अच्छा, मिल बांट के खाता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, जी सर, ना तो मैं हाकिम हूँ जी और ना मैं घोड़ा हूँ, तो मेरी गुजारिश है अनु जी से जी कि मेरे साथ आके बैठे, नहीं तो मैं इनकी गोदी में बैठ जाऊंगा। सर चाहे क्या बात है सर, ये आपको सच्ची में उन पे प्यार आया था कि मेरे पे तरस आ गया था आपको? स्कूल लाया हुआ है तुसी, कोई लेडी टीचर ते दिख नहीं रही। दादी, ये क्या पागल बनती है? अपड़ मत धोखा दिया है आपने। किसने? आपने। मैंने क्या धोखा दिया तेरे? और इन्होंने भी। आप दोनों ने मुझे मिस तनकपुर बनने नहीं दिया। हम क्या है, बाकी सब कुछ कर लिया। नहीं नहीं देखो, मिस तनकपुर बनने नहीं दिया। अभी अभी देखो, अभी ये फैशन है ना, मिस तनकपुर रिटर्न्स, तो उसमें आप का रोल पकड़। क्या भरोसा आप फिल्मी लोगों का? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल। अरे पहले में नहीं दिया चांस, दूसरे में क्या दोगे? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है। ओ भी मैंने फैसला कर लिया, मैं सुसाइड करूंगी नहीं और चाहूंगी, लेकिन आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दादी तू क्या बार बार बोल रही है मिस्टर नकपुर टनकपुर? अरे तो क्यों लेंगे? मिस्टर नकपुर आ रही है, मिस ठरकपुर नहीं आ रही वो। चुप कर, तेरे को क्यों लेंगे? अरे इन लोगों ने मिस्टर नकपुर के लिए मैंने फोटोग्राफ दिए थे, बिट्टू शर्मा रिजेक्ट कर दिया। बिट्टू शर्मा कौन है? ये मेरा पोता बिट्टू। अच्छा बैठो, इसके मुंह में बिट्टू नाम, इसका असली नाम बिट्टू है। और तू दुनिया का वो बना रहा है डैश डैश। ओम जी मुद्दे से मत हटिए, और तू मुंह क्या देख रहे हैं? मैं पूछता इनसे क्या आखिर ये लोग मिस तनकपुर में ऐसे क्या देख रहे थे जो मुझ में नहीं दिखाई ने? हाँ वैसे सर बिल्कुल है सर। एक चीज आपके पास नहीं है, उसकी कोशिश कीजिए, हो सकता है आ जाए। पूंछ पूंछ नहीं है सर। वैसे बाकी सारी क्वालिटीज है, दिन में गोबर दो बार ये भी करती है, रात को पी के सींग मारती किसी को भी। मिस तनकपुर की बात कराई या भैंस की? तेरे को पता नहीं था अभी तक? क्या मिस तनकपुर भैंस ही है क्या? भैंस हीरोइन है? हाँ जी। ये क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री वालों को? नहीं नहीं नहीं, भैंस लीड करने के बजाय मेल लीड कर रही है सिद्धू जी। और क्या? अब आप ही बताइए, अगर कल को कोई गधा आपके पास आकर कहे मुझे क्रिकेट खेलना है, आप उसे खेलने दोगे? बिल्कुल नहीं, तभी तो हमने कपिल को यहाँ रखा है। यार आपस की लड़ाई में मेरे को बीच में क्यों घसीट रहे हो आप? जाओ दादी अंदर जाओ, मेरे को बात करने दो। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो हद ही हो गई है। अरे अनूप की टैलेंट को देखो, इनकी रेंज को देखो। अरे बाप रे, एक फिल्म में लीजा हेडन, दूसरी में भैंस। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? ओमी ओमी पंटे खेलती रही है। और एक दूसरी बात, आपके भाई साहब मिले थे कल, अनिल कपूर। जी जी है? मेरे बहन के भाई थोड़ी है। नहीं तो वो इनका कपूर लेके क्यों घूम रहा है? अरे उनका अपना कपूर है, उनका अपना इंडस्ट्री में अलग अलग कपूर है, इनका मतलब ये थोड़ी ना सब रिश्तेदार है। अच्छा हाँ, तभी मैं सोचूं कि करीना कपूर के हाथ में अनिल कपूर जितने बाल क्यों नहीं है। अब क्लियरिटी मिली है मुझे, अब मुझे ये एहसास भी हो गया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उम्मीद जी बहुत हो गई एक्टिंग वैक्टिंग, अब यहाँ जो होगा रियल होगा। दादा निकलेगा? नहीं सिद्धू जी, अब इश्क होगा। अरे ये आज के जेनरेशन वाले लौंडे, इन्हें क्या पता कि 70s का असली इश्क क्या होता था। आ, तेरे